मिसाल के तौर पर साल में एक मरतबा मालिक निसाब के लिए साहब ज़कात देना फ़र्ज है। इसी तरह से इन कुर्बानी के दिनों में, वो कुर्बानी के दिन सिर्फ तीन हैं, अयाम नहर उनको कहा जाता है, 10, 11 और 12 ज़िलहिज की। तो ये ज़िलहिज्जा की 10, 11 और 12 के अंदर अगर कोई मालिक निसाब हो गया तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब यहाँ से कुर्बानी के मामलात हैं, कुर्बानी के अहकाम हैं। मुझे ये बताना आज ज़रूरी है कि कुर्बानी का तसव्वुर और कुर्बानी का मफहूम क्या है इस्लाम। आज इस कुर्बानी को हमारे हिंदुस्तान में कुछ अलग नज़र से भी देखा जाने लगा है। बात दर हकीकत कुर्बानी की नहीं है बल्कि तुम्हारी इबादत की है। ये तो बहाना है कि कुर्बानी है। आज जो हालात हमें सुनने को मिल रहे हैं कि मुसलमान लाखों जानवरों को ज़िबा करते हैं, इस चीज़ पर पाबंदी होनी चाहिए कि जीवित लाइफ वाले किसी भी एक मखलूक को ना ज़िबा करें, काटने ना दें। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये कुर्बानी का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा। इंसान अव्वल की इब्तिदा जहाँ से है उन्हीं दिनों से कुर्बानी का तसव्वुर है। कुरान पाक में मौजूद है, छठे पारे में रब तआला ने फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक इज क़र्रबा कुर्बानन फतुक़बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र। जब आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के दरमियान झगड़ा हो गया, हाबील और काबील के दरमियान निकाह के मसले को लेकर, दोनों एक खातून से, एक ही औरत से शादी करना चाहते थे, तो उनके मुतालिक हुक्म ये आया कि दोनों लोग अपनी कुर्बानी करें और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वो निकाह कर ले उससे, वो हक पर है। तो उस ज़माने में कुर्बानी का तरीका ये था कि वो अपने जानवर को ज़बह करके किसी ऊंची जगह पर, पहाड़ पर या खुले मैदान में रखे, आसमान से एक आग उतरती और उस कुर्बानी को उठा ले जाती, यानी अचानक वो कुर्बानी का जानवर गायब हो जाता, आग उसके ऊपर आती, आग आने के बाद जल जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन उस आग के अंदर वो कुर्बानी का जानवर गायब हो जाता, तो ये समझा जाता कि ये इसकी कुर्बानी कबूल हो चुकी है। हाबील और काबील ने उस ज़माने में कुर्बानी की। हाबील ने एक मेंढे को ज़बह किया और बुलंद जगह पर रखा, उसके छोटे भाई काबील ने भी, उनके मुतालिक ये है कि वो कुछ गल्ला अनाज ला करके उसने रखा। दोनों में से आसमान से आग आई थोड़ी देर के बाद और बड़े बेटे हाबील के ज़बह किए हुए जानवर को वो खा गई, वो जानवर गायब हो गया। इससे उस वक्त फैसला ये किया गया, ये पहली कुर्बानी थी दुनिया में, सबसे पहली कुर्बानी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि हाबील हक पर है, इसलिए इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। कुरान पाक में तकरीबन कई मकामात पर, एक दर्जन के करीब आयतें कुर्बानी के मुतालिक ही नजर आएंगी आपको कि कुर्बानी का मफहूम क्या है। और तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए, अक्सर अंबिया की उम्मतों पर भी कुर्बानी के अहकाम वाजिब हुए, लेकिन अलग अलग तरीकों से। कुरान पाक ने यह भी, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह